हिंदू धर्म में माता शीतला के लिए शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। शीतला सप्तमी होली के 7 दिन बाद मनाई जाती है। कुछ भक्त शीतला माता के लिए शीतला सप्तमी तो कुछ शीतला अष्टमी का व्रत रखते हैं। माना जाता है कि पूरे मन भाव से माता शीतला के व्रत और पूजा करने वाले लोगों के कष्टों का निवारण हो जाता है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि माता शीतला भक्तों को सभी रोगों से मुक्ति भी दिलाती है। गुरुवार के दिन शीतला सप्तमी होने से बेटमा के प्रमुख मंदिर में महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने शीतला सप्तमी पर शीतला माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। अल सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ मंदिर में देखने को मिली, जिन्होंने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और फिर माता शीतला की पूजा अर्चना की। आज के दिन मान्यता है कि महिला व उनके परिजन भोग के रूप में अर्पित कर बासी भोजन का सेवन ही करेंगे। वहीं इसका कठोर व्रत करने वाली महिलाएं आज के दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलाएगी। बेटमा नगर में प्रमुख मंदिर में महिलाओं की खासी भीड़ देखी गई, जो आधी रात के बाद से ही मंदिर पहुंचना शुरू हो गई थी, लेकिन सुबह 5 बजे के बाद मंदिर में महिलाओं की भीड़ बढ़ने लगी, जिन्हें मौजूद पुलिस स्टाफ द्वारा नियंत्रित किया गया। इस दिन शीतला माता समेत घर के सदस्य भी बासी भोजन ग्रहण करते हैं, इसी वजह से इसे बासोड़ा पर्व भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना उचित नहीं होता है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।